नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जी हां दोस्तों, यूपी से खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने कर दी है रिकाउंटिंग की मांग। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। इतना ही नहीं, मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर के एडीआर की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया, मच हड़कंप। और वहीं एक एक करके जानेंगे हर खबर, बताएंगे आप लोगों को कि कैसे पीएम मोदी की शपथ के बाद में यहां पर राहुल गांधी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, यूपी की जनता ने राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कहा है, बताएंगे आगे खबर में। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पहली बार यहां पर बयान जारी किया है, 8,500 रुपए जो उन्होंने वादा किया था उसको लेकर के क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का जानेंगे। और वहीं अयोध्या जीतने पर भी बयान दिया है राहुल गांधी ने। एक एक करके हर खबर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा, और कमेंट बॉक्स में #VSupportRahulGandhi भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। पहली बड़ी खबर बताते चले, ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों सामने निकल के आ रही है, बताते चलें कि फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनाथ सिंह शुक्रवार ने वीवीपैट पर्चियों की दोबारा से गिनती की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुनर्मतगणना के लिए आगरा के डीएम को एक पत्र लिखा है। भाजपा के द्वारा कथित भारी धांधली के बीच वह करीबी अंतर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। ऐसा है यूपी की कई सीटों पर देखने को मिला है, जहां पर मात्र कुछ ही वोटों के अंतर से यहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हराया गया है, या कह लीजिए यहां पर गड़बड़ियां की गई है। लाइट काट के यहां पर आधी रात को यहां पर खेल किया गया है, ऐसा इंडिया गठबंधन भी आरोप लगा ही रहा है। फर्रुखाबाद में भी यही देखने को मिला दोस्तों। इतना ही नहीं, अगर आप लोग भी सहमत है कांग्रेस पार्टी की इस मांग से, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। इतना ही नहीं, एडीआर ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है, पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस है, 19 के खिलाफ में गंभीर मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, बीजेपी की पोल खुल गई है। एडीआर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 पर हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अभद्र भाषा जैसे गंभीर आरोप यहां पर शामिल हैं। देख सकते हैं कि कितने तगड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं ये सभी मंत्री, जो कि यहां पर एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। 28 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज है, एडीआर का कहना है। इसके साथ ही अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का बड़ा बयान, बोले राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की है, उनके जैसा मेहनती और मिलनसार नेता कोई भी नहीं है देश के अंदर। 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए याद किया जाएगा, ये उनका बयान आया है। इतना ही नहीं, सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार राहुल गांधी की लोकप्रियता ने यूपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। पीएम मोदी की शपथ के बाद में राहुल गांधी 36% वोटों के साथ में पीएम पद की पहली पसंद है यूपी की जनता के बीच में, जबकि नरेंद्र मोदी 32%। राहुल गांधी मोदी को पीछे छोड़ करके प्रधानमंत्री पद के लिए नंबर एक पसंद बनकर के उभरे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आखिरकार राहुल गांधी ने चुनावी नतीजों के बाद पहली बार महिलाओं को 8,500 रुपए देने की बात कही है। उन्होंने सरकार बनाने और धन ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं मिलने के लिए इंडिया यानी कि भारत की महिलाओं से माफी मांगी है। हमें सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिल सका, इसलिए मुझे इसका दुख है कि यहाँ पर हम लोग आपके खातों में रुपए ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं फिलहाल के लिए। उम्मीद है कि लोग हमें समझेंगे, अगली बार जब भी हम सरकार बनाएंगे हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जो भी हमारी यहाँ पर गारंटियाँ हैं उनको तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे जैसे ही केंद्र में सरकार बनती है, ये कहना है राहुल गांधी का दोस्तों। इतना ही नहीं, रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, बोले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने धन्यवाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा है
भाजपा अयोध्या की सीट हार गई। राम मंदिर बनाया जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में एक गरीब आदमी आपने नहीं देखा होगा। जवाब अयोध्या की जनता ने भी दे दिया है। ना केवल अयोध्या, वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जान बचा करके निकले हैं, जैसे तैसे चुनाव जीते हैं। अगर मेरी बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों बताते चलें कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर यूपी के अंदर बढ़ी है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट यहां पर 3,80,000 वोटों से जीते हैं, जबकि पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव मात्र यहां पर 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए हैं। और यहां पर माना जा रहा है कि जब अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा तो शायद ही पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े, क्योंकि अगली बार उनकी हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि जीत का अंतर यहां पर काफी कम रहेगा गया है। यानी कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिली है। कांग्रेस थिंक टैंक और रणनीतिकारों से फीडबैक के बाद राहुल गांधी ने अब सीधे पीएम मोदी पर तीखे अटैक करने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस का मानना है कि पीएम के चेहरे पर बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, मतलब अब पीएम का पहले जैसा जलवा नहीं रहा है और उनका ग्राफ गिरा है, लिहाजा अब लड़ाई को मोदी वर्सेस करने में ही सियासी फायदा रहेगा। यानी अब कांग्रेस डिफेंस नहीं सीधे टारगेट को ही हिट करेगी। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इतना ही नहीं बताते चलें, गोदी मीडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टीवी के संपादक और यहाँ पर मोदी के समर्थक रजत शर्मा के खिलाफ में कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने दर्ज करवाई है FIR। लाइव शो में गाली देने का आरोप लगा है उन पर। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, रजत शर्मा के चैनल इंडिया टीवी पर अपने प्रवक्ता नहीं भेजेगी। कांग्रेस पार्टी चैनल का बायकॉट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये यहां पर बेहद ही बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, जमकर के तारीफ हो रही है कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर के बीजेपी ने चल दी है नई चाल। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एक बीज का रास्ता निकालने की कवायद जारी है बीजेपी के अंदर। भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने निकल के आ रहा है स्पीकर के पद को लेकर के। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है, मतलब नायडू के स्टेट से भी हो गई और उनकी मांग भी पूरी हो गई और बीजेपी की ही स्पीकर रहेंगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पहले जो यहाँ पर मंत्रालय यानी कि विभाग बांटे गए हैं उसमें भी JDU और TDP को तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी गई है। सारे ही टॉप मंत्रालय अपने पास में ही भाजपा ने रखे हैं। आप चाहे टॉप 4 की बात कीजिए या टॉप 10 के, सभी बीजेपी के पास ही है मंत्रालय। JDU और TDP को अगर कुछ मिला है तो वो है झुंझुना। इतना ही नहीं, और अब यहाँ पर स्पीकर का पद भी बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं है TDP को। यानी कि भाजपा वाले यही चाहते हैं कि वे यहां पर खेल करेंगे आने वाले वक्त में स्पीकर के जरिए। यह खबर है। इतना ही नहीं दोस्तों, AIKS ने शिवराज को कृषि मंत्री बनाए जाने का विरोध किया है, कहा किसानों के खून से रंगे हैं उनके हाथ। जी हाँ दोस्तों, क्या अपडेट आ रही है बताते चले। अखिल भारतीय किसान सभा ने शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाए जाने की निंदा की है और उन्हें मध्य प्रदेश के मंदसौर की घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि उनके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। मंदसौर में आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई में 6 किसान मारे गए थे, जिसके बाद में अब किसान संगठन ने यहाँ पर जमकर के भड़ास निकाली है बीजेपी सरकार यानी कि NDA की सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।